तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी सीईटी इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट के बारे में कि जो डेट रखी गई है आई थिंक 15 जून को रखी गई है डेट, तो क्या उस तारीख को एग्ज़ाम होना पॉसिबल है या फिर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो उसी के बारे में इस वीडियो में लास्ट बात करी हुई है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे फार्मेसी इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो AKTU UPTU करवाता था उस वाले पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यूपी सीईटी इस बार पहली बार हो रहा तो उसका पेपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है और उन लोगों ने मॉक पेपर भी या मॉक टेस्ट पेपर या सैंपल पेपर भी अपलोड नहीं करा अपनी वेबसाइट पे। तो जो आपका UPTU फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती थी जो पेपर टू था जिसमें बायो के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस होते थे उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। UPCET का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसकी डेट 15 जून रखी गई है, तो 15 जून रखी गई है इसका मतलब है कि पेपर को जो 15 जून को करवाया जाएगा, तो क्या 15 जून को पेपर होगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से 100% नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि लॉजिकली अगर सोचे तो इससे पहले वाला जो साल था हमारा 2020 था वहाँ पे कंडीशंस बुरी थी लेकिन इतनी बुरी नहीं थी जितनी इस बार बुरी हो गई हैं, क्योंकि इस बार डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया पेशेंट का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज पेशेंट्स मर रहे हैं, ओल्ड प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्या अच्छे लोगों को जिसकी इम्यूनिटी अच्छे कम एज वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जा रही है उनकी इन्फेक्शन होने के बाद। तो इतनी कंडीशन पिछले साल नहीं ख़राब थी, फिर भी उनका पेपर जो था वो लास्ट में ऐसे पोस्टपोन कर करके लास्ट में सितंबर की फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में करवाया गया था। तो सेम उसी तरीके से जो पेपर रखा गया है, और एक बात है कि जो करेक्शन डेट रखी गई है UPCET की वो 2 जून से 8 जून रखी गई है और पेपर 15 जून है, मतलब 2 जून से 8 जून करेक्शन डेट, और इसी 4-5 दिन में एडमिट कार्ड आना भी पॉसिबल नहीं है। तो जो पेपर होगा वो जून में तो नहीं होगा, जुलाई में भी नहीं होगा, आप ये अगस्त में अगर कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है तो अगस्त में पॉसिबल, नहीं तो सितंबर में ही पेपर होगा, ये बात आप मान के चलिए। अगर आपको लगता है फिर आपके पास इनफ टाइम है, जून में तो पेपर होना ही नहीं है क्योंकि अभी तक जहाँ पे देखो वहाँ पे लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है कि कंडीशन कुछ हाथ में आए, और हर स्टेट की कंडीशन अपनी अलग है, किसी स्टेट में कवर कंट्रोल हो रहा है, किसी स्टेट में पीक आके चला गया, किसी स्टेट में अभी पीक आना बाकी है, कहीं पे पीक है अभी, तो किसी स्टेट की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है इस टाइम पे। तो उस हिसाब से अभी देखें तो एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल है ही नहीं जून में, अभी के एक दो महीने में क्या कहते हैं एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप टेंशन फ्री हो जाओ कि जून में पेपर होना है, जून में पेपर नहीं होगा। और पेपर जो होते हैं वो आपके होंगे, और जैसा कंप्यूटर बेस्ड पेपर था तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर ही होगा।